हाय गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं पालक पराठा बनाने जा रही हूँ। हमने पालक को तलने के लिए एक कढ़ाई लिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम सबसे पहले किसा हुआ 1 इंच टुकड़ा अदरक का है और 5 5 हरी मिर्च है छोटा छोटा काट के डाले हैं। और एक चुटकी हींग है जिसको डाल रहे हैं और आंच को थोड़ा मध्यम में रखेंगे। ज्यादा तलना नहीं है और हम 2 कप पालक लिए हैं, उसको हम थोड़ा सा हल्का सा पका लेते हैं। इसको हम 2 बार पानी में धो लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं और इसको हम हल्का से पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है हम पालक को पकाते हुए, इसको हल्का ही पकाना है और गैस हम बंद कर देते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद मिक्सी में हम इसको पीस लेंगे। बिना पानी डाले पीसेंगे। हमने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कटोरी बेसन लिया है, इसमें इसका स्वाद अच्छा आता है, 1/4 सूजी है जो क्रिस्पी आने के लिए डालते हैं, 1/4 भूंजा हुआ सौंफ पाउडर है और 1/4 अजवाइन है। इसको हम थोड़ा क्रश करके डालते हैं और 1/4 पाउडर जीरा पाउडर है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच नमक है स्वाद के अनुसार। और इसके लिए हम 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं मोयन के लिए। और इसको हम अच्छा से पहले मिला लेते हैं। पिसा हुआ पालक है और थोड़ी सी हम धनिया डाल दिए थे इससे समय, और इसको हम डाल रहे हैं और अच्छे से मिलाते हैं। पहले इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार और हमें कड़ा आटा गूंथना है। आटा हमारा अच्छा कड़ा गूंथ गया है, इसको हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और अच्छा से हल्का से तेल लगा के इसको 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, ढक करके रख देते हैं। 20-25 मिनट हो गया है, इसको हम और एक बार अच्छा से मसल देते हैं। पराठा बनाने के लिए हम छोटी सी लोई लेते हैं, हम हल्का सा घी का यूज किए, घी लगा के हम बेल रहे हैं। अब इसको इतना बड़ा हमको बनाना है, फिर इसमें घी लगा देना है, फिर एक बार ऐसे मोड़ना है, त्रिकोण हमें पराठा बेलना है, फिर और हम मोड़ के इसमें तेल लगाते हैं, घी लगा रहे हैं और फिर ऐसे मोड़ के हम त्रिकोण पराठा बेलेंगे। ऐसे त्रिकोण पराठा बनाना है और ऐसे फिर रखना है, इसी तरह हमको और पराठा बनाना है।
इसी पराठा बनाने के लिए हम तवा गरम कर लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। और इस फिर हम पराठा डालते हैं। थोड़ा हम घी डाल देते हैं और पलट देते हैं। फिर इधर भी हम घी डाल के अच्छे से पलट पलट के सेकेंगे और मध्यम आंच में ही पकाएंगे। दोनों तरफ अच्छा से दबा दबा के सेकना है ताकि पराठा सब तरफ बराबर पके। दोनों तरफ अच्छा से सीक आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा फिर घी डाल देते हैं और दूसरा पराठा डाल देते हैं। हमारा पालक पराठा बनके तैयार है। इसको दही के साथ खाने में अच्छा लगता है और एक बार ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। मेरा अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।